चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि नए अपलोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ऑक्सफोर्ड न्यूज पर विकास सर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास ग्रामर का क्लास है, तो स्वाभाविक है ग्रामर के बारे में हम चर्चा करें। अगर आपको पता है कि ग्रामर का चैप्टर सिंटेक्स चल रहा है, उसी के क्लास में लगातार अपलोड कर रहा हूं, तो आज का भी थ्योरी सिंटेक्स का ही थ्योरी है। आप जरा ध्यान से इसको देखना, समझने की कोशिश करना, क्योंकि चैप्टर के एंड में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, तो आपको इन थ्योरी की मदद की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, चलिए जरा देखते हैं कि क्या है आज का थ्योरी। तो चलिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, आप यहां पर देखो, एक मैंने वर्ड लिखा एज फॉलोज, ओके, द सेकेंड वर्ड इज एज कंसर्न्स एंड द थर्ड वर्ड इज एज रिगार्ड्स। देयर आर थ्री वर्ड्स हियर, यहां तीन शब्द हैं और तीनों में से किसी भी शब्द का मतलब निम्नलिखित होता है, यानी एज फॉलोज का मतलब निम्नलिखित, एज कंसर्न्स का मतलब निम्नलिखित और एज रिगार्ड्स का मतलब निम्नलिखित। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस तीनों में से किसी भी शब्द में से आप एस नहीं हटा सकते हो। एज फॉलोज, एज कंसर्न्स, एज रिगार्ड्स में से आप एस को नहीं हटा सकते हो। अगर आप इसको एज फॉलो, एज कंसर्न और एज रिगार्ड करोगे तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मैंने इसी बात को यहां पर लिखा है कि वी कैनॉट रिमूव एस फ्रॉम दीज वर्ड्स। इसका मतलब हुआ कि हम इन शब्दों से एस को नहीं हटा सकते हैं। अगर आप हटाओगे तो सेंटेंस को क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। देख लो कैसे। एक सेंटेंस यहां पर मैंने लिखा, द मार्केट रिपोर्ट इज एज फॉलो, द मार्केट रिपोर्ट इज एज फॉलो, यहां पर हमने क्या लिखा? एज फॉलो। तो आप जान लो कि ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। आप सवाल उठेंगे क्यों गलत है, तो मैंने बोला कि एज फॉलोज, एज कंसर्न्स और एज रिगार्ड्स में से आप एस नहीं हटा सकते, यहां पर एस नहीं है, तो दैट्स व्हाई द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, स्टेटमेंट रॉन्ग है। एज फॉलोज, एज कंसर्न्स और एज रिगार्ड्स में से आप एस नहीं हटा सकते हो। अगले स्टेटमेंट पर आ जाओ, द मार्केट रिपोर्ट इज एज फॉलोज, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, और ये सही इसी है कि यहां पर एज फॉलोज लगा हुआ है, इसमें एस लगा हुआ है। अगला स्टेटमेंट आप देखो, नेक्स्ट स्टेटमेंट, द मार्केट रिपोर्ट्स आर एज फॉलोज, और ये भी सही है, और ये इसलिए सही है कि यहां पर आप देख सकते हो इसमें एस लगा हुआ है। तो दोस्तों, एज फॉलोज, एज कंसर्न्स, एज रिगार्ड्स थ्री वर्ड्स हैं, थ्री वर्ड्स, अब इन शब्दों में से इसको नहीं हटा सकते हो, हटाओगे तो सेंटेंस को गलत माना जाएगा। एक महत्वपूर्ण चीज बात इन शब्दों के बारे में, ये जो तीनों शब्द हैं एज फॉलोज, एज रिगार्ड्स और एज कंसर्न्स, आप इस तीनों शब्दों का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नहीं कर सकते हैं। अगर कभी भी ये शब्द आपको सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में दिखाई दे, अगर आपको लग रहा है कि ये सब सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं तो गलत लग रहा है। हाँ, ये जरूरी है कि ये सब सेंटेंस के सब्जेक्ट की प्लेस पर आ सकते हैं, लेकिन ये सेंटेंस के सब्जेक्ट का काम नहीं करते हैं। अगर ये शब्द, इनमें से कोई भी शब्द सेंटेंस के सब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाए, तो सेंटेंस का वर्ब आगे आने वाले नाउन पर डिपेंड करेगा। इन शब्दों के आधार पर वर्ब को आप नहीं सेट कर सकते हैं। देखो, मैंने उसी बात को यहां पर लिखा, इफ दीज वर्ड्स, अगर ये शब्द आर यूज एज द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, अगर इन शब्दों को यूज एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, अगर इन शब्दों को सेंटेंस के सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज किया जाए, वी डोंट पुट वर्ब्स अकॉर्डिंग टू दीज वर्ड्स, तो हम इन शब्दों के आधार पर वर्ब को पुट नहीं कर सकते हैं। हमको वर्ब को पुट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आगे आने वाले नाउन पर डिपेंड करना पड़ेगा। द वर्ब ऑफ अ सेंटेंस डिपेंड्स अपॉन कमिंग नाउन्स, तो सेंटेंस का वर्ब आगे आने वाले नाउन पर डिपेंड करेगा, यानी आगे आने वाला नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, आगे आने वाला नाउन प्लुरल होगा तो वर्ब प्लुरल होगा। जैसे अब यहां पर देखो, एक सेंटेंस लिखा हुआ एज रिगार्ड्स द मार्केट रिपोर्ट। दोस्तों, यहां पर एज रिगार्ड्स सेंटेंस स्टार्टिंग में है, तो आपको लग रहा हो कि वर्ब इसके आधार पर होगा, तो बिल्कुल गलत लग रहा है। एज रिगार्ड्स में से आप एस नहीं हटा सकते, एस रहेगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाए तो वर्ब इसके आधार पर नहीं होकर आगे आने वाले नाउन पर डिपेंड करेगा, यानी यहां पर आगे आने वाला नाउन है मार्केट रिपोर्ट। आप इतना ही जानो कि सेंटेंस का वर्ब इस मार्केट रिपोर्ट पर डिपेंड करेगा, क्योंकि मार्केट रिपोर्ट सिंगुलर है, इसलिए वर्ब यहां पर क्या आ जाएगा? सिंगुलर। नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखो, एज रिगार्ड्स दैट्स द मार्केट रिपोर्ट्स, अब यहां एज रिगार्ड्स के अनुसार तो वर्ब होगा नहीं, वर्ब तो किसके आधार पर होगा? मार्केट रिपोर्ट्स के आधार पर होगा। अब बताओ, मार्केट रिपोर्ट्स यहां पर क्या सिमिलरिटी? प्लुरल है, इसलिए वर्ब क्या हो जाएगा? आर। यहां एज रिगार्ड्स से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट, अगला स्टेटमेंट देखो, एज फॉलोज डैश द नेम ऑफ द बॉय, यहां द नेम ऑफ द बॉय नेम सेंटेंस का सब्जेक्ट है, एक नाम की बात हो रही है, इसलिए वर्ब किस पर डिपेंड करेगा? नेम पर डिपेंड करेगा, इसलिए वर्ब यूज हो जाएगा। एज फॉलोज डैश द नेम्स ऑफ द बॉय, यहां पर आने वाला नाउन नेम्स है, नेम्स प्लुरल है, इसलिए वर्ब यहां इज और आर की जब बात आएगी तो वर्ब यहां पर क्या लग जाएगा दोस्तों? आर लग जाएगा। किसके आधार पर लग जाएगा? नेम्स के आधार पर लग जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि एज फॉलोज, एज कंसर्न्स और एज रिगार्ड्स में से कोई भी वर्ड सेंटेंस के सब्जेक्ट की प्लेस पर आ जाए तो वर्ब उसके आधार पर नहीं होगा, वर्ब हमेशा किसके आधार पर होगा? आगे आने वाले नाउन पर। अगर आगे आने वाला नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, आगे आने वाला नाउन प्लुरल तो वर्ब प्लुरल यूज करेंगे। एक वर्ड फॉलोइंग और एक वर्ड अंडरसाइंड है, और फॉलोइंग और अंडरसाइंड का भी मतलब निम्नलिखित होता है। आप कहीं फॉलोइंग लिखा हुआ देखो या फिर अंडरसाइंड लिखा हुआ देखो, इसका मतलब आप क्या समझ लेते हैं? इसका मतलब निम्नलिखित होता है, परंतु इसके भी कंडीशन है कुछ। अब इनके कंडीशन क्या है सो देखो, वी कैनॉट यूज फॉलोइंग्स एंड अंडरसाइंस, यानी आप इन शब्दों में एसीआईएस नहीं लगा सकते हैं।
फॉलोइंग को आप फॉलोइंग्स नहीं बना सकते हैं, आप अंडरसाइन को अंडरसाइंस नहीं बना सकते हैं, आप इन शब्दों से एस नहीं हटा सकते थे, इन शब्दों में आप एस नहीं जोड़ सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। जैसे यहां पर रूल है कि द मार्केट रिपोर्ट इज फॉलोइंग और फॉलोइंग्स, आपको फॉलोइंग लिखना पड़ेगा, फॉलोइंग्स आप नहीं लिख सकते हैं। अगला स्टेटमेंट है फॉलोइंग एंड अंडरसाइंड आर नॉट यूज द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। जैसे कि हमने बोला कि एज फॉलोज, एज कंसर्न्स और एज रिगार्ड्स कभी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नहीं यूज हो सकता है, वैसे ही फॉलोइंग और अंडरसाइंड भी कभी किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं हो सकता है। कभी भी अगर फॉलोइंग और अंडरसाइंड आपको सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज होता हुआ दिखाई दे तो इतना समझ लेना कि सेंटेंस का वर्ब आगे आने वाले नाउन पर डिपेंड करेगा, जैसा कि एज रिगार्ड्स, एज कंसर्न्स और एज फॉलोज के केस में होता है। जैसे आप एक स्टेटमेंट यहां पर है फॉलोइंग द नेम ऑफ द गर्ल, यहां पर नेम सेंटेंस का सब्जेक्ट इसलिए यहां पर वर्ब यूज होगा। अगर मान लो यही सेंटेंस रहता है फॉलोइंग डैश द नेम्स ऑफ द गर्ल्स, या नेम्स अगर हो जाता तो यहाँ पर इसके बजाय आर लिखना पड़ता, यानी वर्ब जो है फॉलोइंग के आधार पर नहीं हो रहा, आगे आने वाले नाउन पे आ रहा है। तो दोस्तों आज कही थी एज फॉलोज, एज कंसर्न्स, एज रिगार्ड्स और फॉलोइंग और अंडरस्टैंड के बारे में। एक बार फिर मैं इसको संक्षेप में बता दूं, ध्यान से सुनना, एज फॉलोज, एज कंसर्न्स और एज रिगार्ड्स, इस तीनों में से किसी भी का मतलब निम्नलिखित होता है, और अगर इनको सेंटेंस में यूज किया जाता तो आप इसमें से एस नहीं हटा सकते हैं, यानी एज फॉलोज को एज फॉलो, एज कंसर्न्स को एज कंसर्न और एज रिगार्ड्स को एज रिगार्ड नहीं लिख सकते हैं। अगर इस तीनों में से कोई भी शब्द सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाए तो वर्ब इसके आधार पर नहीं होता, वर्ब आगे आने वाले नाउन के आधार पर होता है। ठीक, हमारे पास दो शब्द और हैं फॉलोइंग और अंडरसाइंड, और फॉलोइंग अंडरसाइंड का मतलब भी दोस्तों क्या होता है, निम्नलिखित, लेकिन दोनों शब्दों की खासियत है कि इसमें आप एस नहीं जोड़ सकते हो, यानी फॉलोइंग को फॉलोइंग्स और अंडरसाइंड को अंडरसाइंड नहीं बना सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आ जाए तो वर्ब फिर इसके लिए नहीं यूज होगा, वर्ब आगे आने वाले नाउन पर डिपेंड करेगा, नाउन डिसाइड करेगा इसके साथ वर्ब कैसा होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दीजिए, आज कितने ही रूल को देखिए, आप इसको समझिए और माइंड सेट करने की कोशिश कीजिए। फिर अगले क्लास में मैं और कुछ सारे रूल्स के साथ आता हूं, और फिर जब चैप्टर एंड होगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज दीजिए विकास कुमार को इजाजत, तब तक इसको देख करके सीखते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।